है एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं क्रोटोनटिंग मेडिसिन को एलन्स की नोट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रोटोन टिग्लियम इसका पूरा नाम है, यूफोरबियसिस की फैमिली है, क्रोटोन ऑयल सीड्स इसका कॉमन नेम है। क्रोटोन टिग एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है जीआईटी सिस्टम के लिए, जिनको डायरिया हो रहा है। और इसके स्किन सिम्टम और मेल और फीमेल सिम्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जीआईटी सिम्टम से। तो अफेक्ट द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट प्रोड्यूसिंग ट्रांसयूटेशंस ऑफ वाटरी पोर्शंस ऑफ ब्लड और कॉपियस वाटरी डायरिया। ठीक है, जो अपनी जीआईटी सिस्टम है वो जो म्यूकस मेम्ब्रेन पूरी जीआईटी को कवर करके रखी है वहाँ पे इसकी एक्शन है, वहाँ पे इसको अफेक्ट करके ये क्या करता है, ट्रांसयूटेट एक वाटरी और साथ में ब्लड के साथ साथ कॉपियस डायरिया प्रोड्यूस करता है, जो कि वेरेट्रम एल्बम में भी हमको ये सिम्टम देखने को मिलता है, वाटरी डायरिया। द बोवेल आर मूड एज इब स्पास्मोटिक जर्क्स। ठीक है, जो जीआईटी है, जो बोवेल है, उसमें ऐसे मूवमेंट्स होते हैं जैसे कोई स्पास्मोटिक जर्क्स आ रहे हैं, झटके आ रहे हैं, कमिंग आउट लाइक अ शॉट। और जब क्या होगा, स्टूल पास आउट होगा, जब डायरिया पास होगा तो ऐसा लगेगा कि किसी शॉट, कोई शॉट की तरह वो बाहर निकल रहा है डायरिया। गैम्बुशिया में भी ये सिम्टम है। एज सून एज अ पेशेंट्स ईटिंग ड्रिंक और इवन वेल ईटिंग। ठीक है, जैसे ही पेशेंट कुछ खाता है या पीता है या ड्यूरिंग द ईटिंग, जब खा रहा है तब उसको ये सिम्टम्स आते हैं और जो येल्लो वाटरी स्टूल हमको देखने को मिलेगा। कॉन्स्टेंट अर्जिंग टू स्टूल फॉलो बाय सडन इवैक्यूएशंस विच इज़ द शॉट आउट ऑफ द रेक्टम। ठीक है, एकदम से उसको कॉन्स्टेंट हमेशा बनी रहे रहेगी अर्जिंग टू स्टूल जाने के लिए और एकदम से इवैक्यूएशन होगा, जैसे कि रेक्टम से शॉर्ट आउट कुछ निकला हुआ। ठीक है, यही सिम्टम हमको गैम्बोशिया, ग्रेटियोला, पोडोफाइलम और थूजा में भी देखने को मिलता है। स्वासिंग सेंसेशन ऑफ इंटेस्टाइन। ठीक है, इंटेस्टाइन में ऐसा लगता है कि कोई भरा हुआ है, कुछ पानी भरा हुआ है। स्वाशिंग मतलब कुछ ऐसा तैर रहा है। एज फॉर्म वाटर है बिफोर स्टूल, स्टूल के पहले। ठीक है, और रंबलिंग बिफोर स्टूल है तो हमको एलोय में देखने को मिलेगा रंबलिंग सेंसेशन। अब देख लेते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इंटेंस ईचिंग, ये बहुत ही कीनोट सिम्टम है इसका, बहुत ही ईचिंग होती है जेनाइटल्स में इसको, बोथ द सेक्सेस में, रस्ट्रॉक्स में भी ये सिम्टम है। इसमें वैस्कुलर रप्शंस देखने को मिलेंगे मेल्स में, इतना ज़्यादा सेंसिटिव होता है कि सोर इज अनेबल टू स्क्रैच। ठीक है, बहुत ज़्यादा सोरनेस भी है, सेंसिटिवनेस है कि वो स्क्रैच भी नहीं करता है। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखते हैं, ड्रॉविंग पेन थ्रू द चेस्ट फ्रॉम बेस्ट टू स्कैपुला। ठीक है, ब्रेस्ट से लगा के स्कैपुला में जाएगा ड्रॉविंग पेन। अब द सेम साइड में टाइम द चाइल्ड नर्स, जैसे ही बच्चा दूध पीने लगा, नर्सेस करने लगा, तो उसी टाइम जो उसी टाइप का जो ब्रेस्ट है वहाँ से पेन जाएगा स्कैपुला में। निप्पल जो होंगे वो बहुत ही ज़्यादा सोर रहेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो कफ आएगा एज सून एज द हेड टचेस द पीलो। ठीक है, जैसे ही हेड टच किया पीलो को कफ आने लगेगा। कफ का कैरेक्टर स्पास्मोटिक होगा, पैरोक्सिज्म्स आएंगे एक के बाद अब एक कफ के सेट आएंगे। सफोकेटेड फीलिंग होगी पेशेंट को, मस्ट वॉक अबाउट द रूम और स्लीप इन द चेयर। ठीक है, वो बेड से उठ जाएगा, रूम में वॉक करेगा और चेयर पे जाके सो जाएगा। इस टाइप का सिम्टम है रेस्पिरेशन में। अब देख लेते हैं स्किन सिम्टम को। तो स्किन में बहुत ही ज़्यादा ईचिंग रहेगी उसको, इंटेंस ईचिंग ऑफ स्किन बट सो टेंडर अनेबल टू स्क्रैच। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ईचिंग होती है, स्क्रैचिंग नहीं करता है। एमुलेशन होता है उसको बाय जेंटल रबिंग से, उसको एमुलेशन होता है, जेंटली वो रब करेगा। एक्जिमा होगा पूरी बॉडी में उसको। ठीक है, स्किन में नेक्स्ट है डेवलप्स एन एक्यूट एक्जिमा, जो एक्जिमा का जो एक्यूट अटैक आता है उसको एक्यूटली एकदम से एक्जिमा आ जाता है पूरी बॉडी पे। तो ऐसे सिम्टम के लिए है क्रोटोन टिग बहुत अच्छी रेमेडी है। हॉल बॉडी में एक्जिमा के लिए रस्ट्रॉक्स भी एक बहुत अच्छी रेमेडी है। मॉडलिटीज़ की बात करते हैं तो एग्रावेशन होता है डायरिया में एवरी मोशन से, हर एक मोशन से डायरिया में एग्रावेशन होगा इसको। आफ्टर ड्रिंकिंग, पीने के बाद इसको बहुत ज़्यादा एग्रावेशन होगा। वेल ईटिंग और नर्सिंग के टाइम पे अर्जेंटम नाइट्रिकम और अर्सेनिक में भी ये सिम्टम है, ईटिंग और नर्सिंग के टाइम में एग्रावेशन होता है। ड्यूरिंग समर टाइम में एग्रावेशन होगा फ्रूट से, ठीक है, सी मीट से, सॉरी स्वीट मीट से,
कैम्बोशिया में भी सिम्टम है स्वीट मीट एग्रावेशन, द लिस्ट फूड और ड्रिंक, ये सारी मॉडलिटीज़ में पूरा एग्रावेशन दिया है इन्होंने। तो ये थी क्रोटोन टीक मेडिसिन एलन स्किनोर से, जो कि बहुत अच्छी रेमेडी है GIT स्किन सिम्टम्स के लिए। आई होप आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।